हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छा ही होगा, सब बढ़िया ही होंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, एल्कोहल, फिनोल और ईथर को आगे बढ़ाकर आइसोमेरिक फॉर्म तक लाए थे, है ना क्या? उसके बाद हम लोग बोले थे, आपने बोला गया था कि आपको एक एग्जांपल देकर मैं अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरह से आइसोमेरिक फॉर्म का उपयोग आता है या फिर उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा, मिल जाएगा। आप क्या क्वेश्चन होगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा कि मान लीजिए दिया गया एक कंपाउंड C5H10OH, ये एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। अब बोला जाएगा कि इसका आप जितना भी आइसोमर बन सकता है बनाइए, उसका नाम लिखिए। ठीक है, चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर तो आपको दिया हुआ है ही अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं बनाना है। तो ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। C5H10OH ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और स्ट्रक्चर हम लोग को पूरा का पूरा बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, फर्स्ट क्या बनाइएगा आप, CH3 CH2 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 OH, है ना, पांच कार्बन एक अल्कोहल, सिंपल हमने शुरू किया और अंत कर दिया। दूसरा ऐसा क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH, अब इस बार हम लोग यहाँ पे अल्कोहल दे देते हैं, है ना, और यहाँ पे CH3 दो बन गए। तीसरा भी देखिए CH3 CH2, इस बार यहाँ दे देते अल्कोहल, ये हमारा बन गया तीन, और तीनों का तीनों पोजिशनल ही है दोस्तों, तीनों का तीनों पोजिशनल है। मैं बारी बारी आपको सब बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा बन गया। ठीक है, हम सबका नाम भी देख लेंगे। चौथा देखिए, अब इसको लेते हैं, पहले तीन तो बना लिए, पहला में ये रख दिए, दूसरा में अल्कोहल, तीसरा में अल्कोहल। अब पहला को फिर उठाइए और क्या कीजिए, इसमें से कोई एक को एक ब्रांच कर दीजिए, कैसे वो देखिए। मान लीजिए हमने इसका ब्रांच कर दिया CH3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ये भी वन नंबर पे भी वन नंबर, लेकिन एक मेन चेन में कार्बन चार ही हो गया, एक घट गया। पांचवा देखिए CH3, इस ब्रांच को भी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कि CH3 यहाँ पे अब आएगा, ये हो गया CH2 CH2 और OH, है अभी पांच कार्बन, है अभी पांच कार्बन, लेकिन यहाँ पे ब्रांच दो नंबर कार्बन पे, यहाँ पे ब्रांच तीन नंबर कार्बन पे दोस्तों। छठा देख लेते हैं, सबका नाम भी देख लेंगे, पहले सारा आइसोमर तो बना लें। अब क्या करें, तो ऊपर भी एक ब्रांच और नीचे भी एक ब्रांच, हो गया ये हमारा छह बना। सातवा देखिए, इसका सारा बन गया है, इसका बनाते हैं, ठीक है ना, एक ब्रांच हम लोग कहीं पे कर देंगे, इसका भी एक आइसोमर बन जाएगा। पांच कार्बन आपको होना चाहिए और एक अल्कोहल, बाकी आप जितना घुमा सकते हैं घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब लास्ट बनेगा, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको देखिए, जहाँ तक दिमाग लगे दोस्तों लगाइए, जहाँ तक आपको बढ़ना है बढ़िए। ठीक है, ये यहाँ पे इस यहाँ पर इस वाला ब्रांच को यहाँ पे कर दिया, अब आगे भी बन सकता होगा लेकिन हमको लगता है इतना ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, आठ आइसोमर इसका हम लोग बनाए हैं। ठीक है, नाम सबका बता देते हैं आपको, पहला का नाम हो जाएगा पेंटेनॉल, है ना, पांच कार्बन पेंटेनॉल, इसका भी नाम होगा पेंटेनॉल, लेकिन टू पे आप और लगा दीजिएगा ना, इस तरह से लिख दीजिएगा पेंटेन टू ऑल, यहाँ पे पेंटेन थ्री ऑल, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन टू, टू पे मिथाइल और ब्यूटेनॉल, है ना, यहाँ भी यही हो जाएगा वन टू थ्री, थ्री पे मिथाइल, थ्री मिथाइल ब्यूटेनॉल, यहाँ देखिए वन टू, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, है ना, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, यहाँ देखिए वन टू, टू पे अल्कोहलिक आपका, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, है ना, टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, यहाँ भी वही काम कीजिएगा वन टू थ्री फोर, थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल,
ये हमारा बन गया एक आइसोमर का क्वेश्चन, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा और कंपटीशनल बुक में भी होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या आपको दिखा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला देखेंगे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि आपको पिछला चैप्टर में बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, है ना। हेलोइल्केन्स का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन आप याद कीजिए थोड़ा सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हो रहा है अब हम लोग के पास, इसी से हम लोग एल्कोहल बनाएंगे, एल्कोहलिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को करवाएंगे रिएक्शन, इससे बहुत सारा एल्कोहल बनेगा दोस्तों, ये हर चीज़ में एल्कोहल बनाने में काम देता है, ठीक है। हम लोग एल्डिहाइड वाले ग्रुप से बनाने वाले हैं, कैसे बनेगा वो आप हम पे छोड़ दीजिए, मैं ट्रिक से समझा दूंगा। मान लीजिए कल एल्डिहाइडिक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मल हल्डिहाइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मल हल्डिहाइड का फॉर्मूला आपका ये HCHO, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लीजिए ये ले लेते हैं CH3MgBr, ठीक है। CH3 की जगह पे C2H5 भी हो सकता है, C3H10A भी, ये सब भी हो सकता है ना, या फिर C4H9 भी हो सकता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है इससे, इसी का पहचान है रिएजेंट, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, सिंपल आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इस को इसके साथ ले आना है, समझ गए, मतलब कि इस कार्बन को आपको इस कार्बन के पास पहुंचा दीजिए, सबसे पहला स्टेप वही है, CHH जो भी है इसके पास चला आया ये कार्बन, और जो वो था उसके पास ये चला आया MgBr, ठीक है। अब इसको करा दीजिए वाटर से रिएक्शन, मतलब कि H2O से रिएक्शन करा दीजिए, आपको ये अल्कोहल दे देगा, ठीक है। कैसे देगा अल्कोहल, ये हो जाएगा MgBr OH, और ये H आकर इसमें लग जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा सिंपली CH3CH2OH और Mg का दो वैलेंसी, एक Br के साथ और एक OH के साथ। एक और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, C6H5 है ना MgBr, इसको इस कार्बन के पास ले जाइए और MgBr को ऑक्सीजन के पास, तो हो जाएगा आपका CHH C6H5 O MgBr, समझ रहे हैं दोस्तों। अब इसको पानी से रिएक्शन करवाइए, ये देखिए यहाँ से ये हट जाएगा और ये चाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या हमारा, ये देखिए C6H5, और इससे बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इसी पे आके मिलेगा CH2OH और H और आपका MgBr और OH, ये आपका हो गया काम खत्म। ये था हमारा फॉर्मल एल्डिहाइड, या बोल सकते हैं एल्डिहाइड से, ठीक है ना। हम लोग इसमें और भी कार्बन को जोड़ के बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का एल्डिहाइड आया C2H5CH और O, और आप मान लीजिए C4H9MgBr, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कब पहचानेंगे, जब आपको MgBr कार्बन के ग्रुप में लगा हुआ नजर आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि हमको क्या करना है। सबसे पहले कार्बन को कार्बन के पास भेज दीजिए, कार्बन को कार्बन के पास भेज दीजिए जहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। इस कार्बन को इसके पास भेजिए और MgBr को इसके पास, सबसे पहला स्टेप, कोई दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। CH इसको यहाँ पे भेज दीजिए C4H9 और O MgBr, अब इसको पानी में मिला दीजिए, पानी में डुबा दीजिए, ठीक है। MgBr OH अलग हो जाएगा और H इसके साथ आ जाएगा, C2H5 CH C4H9 OH, बन गया आपका रिएक्शन। और इसको लिखना है लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये साइड प्रोडक्ट था हमारा, ये हमारा रिएक्शन बन गया और यही हमारा एल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है। यही हमारा एल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो था एल्डिहाइड से, अब हम लोग कीटोन से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। कीटोन से भी तो बन सकता है, कीटोन से क्या होगा वो भी मैं आपको
एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, ठीक है? आपके टोन से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए सी एच थ्री सी, यहाँ भी सी एच थ्री और यहाँ पे ये देखो ये एक टोन ग्रुप, और मान लीजिए कुछ इस तरह से आया सी एच थ्री एम जी बी आर। सबसे पहला स्टेप कार्बन को कार्बन के पास भेजिए, गिरनार एजेंट आए, आप क्या कीजिएगा कार्बन को कार्बन के पास, एम जी बी आर को ऑक्सीजन के पास, ठीक है? करिए जैसे हम बोले वैसा ही कीजिए। सी एच थ्री यहाँ क्या आ गया सी एच थ्री, यहाँ पे देखिए ओ एम जी बी आर, अब पानी में मिलाइए ये एम जी बी आर चला जाएगा और एच आके यहाँ पे जुट जाएगा, तो बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी, सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच, थ्री डिग्री अल्कोहल बना दोस्तों, और एम जी बी आर और हाइड्रोक्साइड मतलब कि अल्कोहल, ये आपका अलग हो गया, ये आपको बन गया क्या अल्कोहल। समझ में आ गया? एल्डिहाइड से समझ में आ गया, केटोन से समझ में आ गया। सबसे पहले क्या कीजिएगा कार्बन को कार्बन के पास भेजिएगा, कौन से कार्बन के पास, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, जहाँ पे केटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, कार्बन को कार्बन के पास भेज दिए और ऑक्सीजन के पास एम जी बी आर को भेज दिए, पानी मिला दिए, पानी मिलाएंगे तो क्या हो गया ये इतना ज़्यादा मतलब कि रिएक्टिव होता है दोस्तों, इसीलिए इसका यूज़ किया गया। देखिए ये एम जी बी आर ओ एच लेकर चला गया और एक चीज़ के साथ चलाया, बस यही, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एच प्लस का, तो और ये आके एच किसके साथ एच में आ गया, बस हमको अल्कोहल बनाना था, बन गया। अब अगले रिएक्शन में, अगले क्वेश्चन में, अगले दिन हम लोग देखेंगे ईथर्स के साथ, उसके बाद हम लोग नोइल हैलाइड के साथ, ईस्टर के साथ, और भी बहुत सारा गजब गजब रिएक्शन देखेंगे, लेकिन ट्रिक से देखेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, हम अगला रिएक्शन भी समझा देंगे दोस्तों, तब तक वीडियो को रोक रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।